राशि के अभाव में शिक्षकों का वेतन दो दो माह तीन तीन माह बाकी लग जाता है, इसके लिए भी आज बैठक में चर्चा हुई है और इसको प्रमुखता से लिया गया है कि इसके बारे में भी सरकार के लोगों से, मंत्री से, माननीय मंत्री जी से मिल करके इस समस्याओं का भी, वेतन विसंगति का जो समस्या है, वेतन समय से नहीं मिलने की जो समस्या है, आवंटन का अभाव का जो रोना रोया जाता है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग नए सरकार से उम्मीद भी लगाए हैं और नए सरकार के मंत्रिमंडल से मिल करके इस समस्याओं को दूर कराने का प्रयास करेंगे और दूर कराएंगे भी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं संजीव समीर लाइव। आज मुजफ्फरपुर स्थित कार्यालय में पतंगकारी शिक्षक महासंघ की जिला कमेटी की बैठक हुई और इस कमेटी में क्या क्या निर्णय लिया गया और अगली रणनीति क्या है संगठन की, इस पर आइए हम लोग बात करते हैं प्रदेश महासचिव सह जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह से। नमस्कार सर, आपका संजीव समीर लाइव चैनल में स्वागत है। नमस्कार, तो सबसे पहले हम इस न्यूज चैनल के तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इनसे जुड़े जो भी साथी इस लाइव को देखते हैं उन तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज सर जो बैठक हुई थी, इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया है? जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। आज परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ की जिला इकाई की बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं के बारे में तमाम पदाधिकारियों की ओर से अपनी राय आई है, उनके समस्याओं को नोट किया गया है। जैसे समस्याओं में जीओबी मद का दो माह जून जुलाई का बकाया वेतन भुगतान है, एसएसए मद का जुलाई का बकाया वेतन भुगतान है, एसएसए मद का 15% वेतन वृद्धि का एरियर भुगतान है, जो वहीं जीओबी का वेतन एरियर भुगतान हो चुका है लेकिन एसएसए के साथियों का एरियर भुगतान नहीं हुआ है। इन मुद्दों पर और नवनियुक्त शिक्षकों का सेवा पुस्तिका का संधारण अभी नहीं हुआ है, जो अभी फरवरी में ज्वाइन किए हैं, फरवरी 2022 में उनका प्रमाण पत्र भी नियुक्ति के समय ले लिया गया है लेकिन अभी विभाग से उनके वितरण की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। उन समस्याओं को लेकर के भी तमाम मंथन हुआ, तमाम साथियों का राय विचार आया है और इन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने का निर्णय लिया है। हालांकि सर अभी देखा गया है कि अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के जो एसएसए हैं या स्थापना है या जो एमडीएम है, उन सभी पदाधिकारियों को भी हाल फिलहाल में बदली हुआ है, अभी नए नए आए हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं और कब तक समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है, इस पर उन लोगों के जिला में आने पर और जिला में लोगों ने योगदान लिया, योगदान के बाद हम तमाम साथी उनसे मिले हैं, मिल करके उनका स्वागत किए इस जिला में उनके पदस्थापित होने पर और उनसे हम लोगों ने मांग किया कि जिलों के जो शिक्षकों की जो विभिन्न समस्याएं हैं उसको निश्चित रूप से आप नए पदाधिकारी आए हैं तो हम लोगों को माने राहत मिलेगी और उन लोगों के द्वारा भी हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि निश्चित रूप से हम शिक्षकों के समस्याओं के समाधान के लिए खड़े उतरेंगे। तो हम लोगों ने उस दिन उनका योगदान के दिन स्वागत किया लेकिन तुरंत अब ये जो समस्याएं हैं इस समस्याओं को लेकर के हम लोग यही सामने 18 या 19 को उनसे मिल करके और इसका निजात दिलाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से मैंने ये समस्याएं जो है जिला स्तरीय समस्या है, इस समस्याओं का समाधान होगा और हम लोग कराने में भी सफल होंगे। अभी सर एक ऐसा हुआ है कि सरकार की उथल पुथल हुई है, सरकार जो पहले से चल रही थी भाजपा समर्थित सरकार वो गिर गई है और नई सरकार जो राजद समर्थित सरकार आई है, तो जो चुनाव के समय एक घोषणा किया था कि शिक्षकों को हम समान काम समान वेतन देंगे और चाहे शिक्षकों से जो भी समस्याएं हैं उनको हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे जो उन्होंने कहा था, इस पर आपकी सरकार जो नई सरकार बनी है इससे क्या उम्मीदें हैं? निश्चित रूप से ये जो नई सरकार आई है और नए सरकार में जो नए दल के लोग जो शामिल हुए हैं उनसे हम तमाम उनके आने पर ही हमारे बिहार के तमाम शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है कि ये हमारे जो सरकार आई है, नई सरकार आई है उसमें निश्चित रूप से हम लोगों को समान काम समान वेतन मिलेगा और काफ़ी शिक्षकों ने उम्मीद लगाई है और आशान्वित भी हैं और निश्चित रूप से बिहार में इन दलों की जो संख्या बढ़ी थी शिक्षकों की भूमिका रही थी उसमें हम निश्चित रूप से कहेंगे। और अभी बैठक में हमारे प्रदेश के जो संयोजक हैं, प्रदेश के जो शिक्षक नेता हैं और हमारे पूर्व स्नातक प्रत्याशी भी रहे हैं ये भाई प्रणय जी, प्रणय जी के द्वारा भी ये बात
कही गई है कि नहीं अभी तुरंत हम 21 तारीख को वे पटना जाकर के नए मंत्रिमंडल की जो सरकारें बनी हैं उसमें उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से मिलने का काम करेंगे और निश्चित रूप से उनके संकल्प पत्र को याद दिलाएंगे और हम लोग शिक्षक जो आशान्वित हैं समान काम समान वेतन की ओर उनकी संकल्प पत्र को याद दिलाते हुए निश्चित रूप से इसमें सफलता की ओर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, उनको याद दिलाएंगे और उनसे लेने का भी काम करने का प्रयास करेंगे। और अन्य भी समस्याएं हैं जो प्रदेश स्तर की समस्याएं हैं उनके उसके लिए भी आप नई सरकार के जो मंत्री या जो उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं तेजस्वी यादव, तो उनसे जो नई जो समस्याएं हैं प्रदेश स्तर की समस्याएं हैं, वेतन की समस्याएं हैं, शिक्षकों का वेतन समय से वहां से राशि जारी नहीं की जाती है, इस संदर्भ में भी आप क्या उनसे मांग रखेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे होता है कि वेतन राशि के अभाव में आवंटन राशि के अभाव में शिक्षकों का वेतन दो दो माह तीन तीन माह बाकी लग जाता है, इसके लिए भी आज बैठक में चर्चा हुई है और इसको प्रमुखता से लिया गया है कि इसके बारे में भी सरकार के लोगों से मंत्री से माननीय मंत्री जी से मिल करके इस समस्याओं का भी वेतन विसंगति का जो समस्या है, वेतन समय से नहीं मिलने की जो समस्या है, आवंटन का अभाव का जो रोना रोया जाता है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग नए सरकार से उम्मीद भी लगाए हैं और नए सरकार के मंत्रिमंडल से मिल करके इस समस्याओं को दूर कराने का प्रयास करेंगे और दूर कराएंगे भी। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे प्रदर्शनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश महासचिव सह जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर के सारी बातों की जानकारी दी और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।